हरे कृष्णा, मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ओरा से नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसा हमारा ओरा होगा वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर हमारा ओरा नेगेटिव है तो हम उसी तरह की वाइब्रेशन अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारा ओरा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने ओरा को क्लियर करना है। डेली हम ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम तरह तरह की एनर्जी से हमारा संपर्क होता है। तो डेली हमें अपने ओरा को क्लीन करना चाहिए, जिससे जो हमारी एनर्जी वो बैलेंस रहे, हमारा ओरा है जो वो पॉजिटिव रहे, और उसी तरह की एनर्जी को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम अपने ओरा को क्लीन नहीं करते हैं तो वही एनर्जी हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है, और उसी तरह की एनर्जी को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो डेली हमें अपने ओरा को क्लीन करना चाहिए। तो आज मैं आपको इतना ईजी तरीका बताऊंगी जिससे ईजिली जो रेकी नहीं भी जानते हैं वो भी अपने ओरा को क्लीन कर सकते हैं ईजिली, और अपने ओरा को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले बिल्कुल रिलैक्स होना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, और लंबी और गहरी आपको सांसें लेनी है। आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है कि आपके जो रूट चक्रा है उससे आपके रूट्स निकल रही हैं और आपके जो पैर हैं यानी जो तलवे हैं उनके थ्रू अर्थ में जा रही हैं और वहाँ अर्थ के कोर में कनेक्ट हो रही हैं। इस तरह आप अपनी ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आपको जो है जो मैं आपको बता रही हूँ टेक्निक करनी है, जिससे जो आपका सारा ओरा है वो क्लियर हो जाएगा, जितनी भी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर हो जाएगी। आपको करना क्या, अपना राइट हैंड आपको लेना है, अपना राइट हैंड लेके आपको जो आपके लेफ्ट हैंड है वहाँ पर आपको रखना है, और ऐसे क्रॉस करते हुए आपको बिल्कुल ऐसे क्रॉस करते हुए जैसे अर्थ में ऐसे नीचे ले जाना है। आपको फील करना, जब आप ऐसे करोगे तो आपको फील करना है कि आपके ओरा के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे ऐसे आपको रिलीज, आपको नेगेटिव एनर्जी ऐसे सारी आप ऐसे रिलीज कर देगा। आपको राइट हैंड से लेफ्ट साइड करना है, ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, उसको आपको राइट शोल्डर है जो उस पर रखना है, ऐसे क्रॉस करते हुए आपको ऐसे नीचे ले जाना है। आप इस टेक्निक को जब खड़े हैं, खड़े हो वो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप खड़े होकर नहीं करना चाहते तो आप इस टेक्निक को बैठ के भी कर सकते हैं। आपको राइट हैंड लेना है, ऐसे करना है, आपको इसे 10 से 11 बार आपको ऐसे क्रॉस करके आपको आप सारे जो आपकी नेगेटिव एनर्जी उसे रिलीज करना है। आप फील करेंगे जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी ऐसे क्लियर कर रहे हैं, आपको फील करना है कि आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन, सारी ब्लॉकेज, नेगेटिव इमोशंस, जिस चीज़ भी एनर्जी को आज आप कैरी करके लाए हैं वो सारे रिलीज हो रहे हैं और आप पॉजिटिविटी से भरते जा रहे हैं। जैसे आप उस एनर्जी को थ्रो करते हैं अर्थ के अंदर, तो जो एनर्जी है वो अर्थ के अंदर कोर में जाके वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है पॉजिटिव एनर्जी में। हमें उस एनर्जी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो एनर्जी है वो काम आती है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है ताकि फिर से हम उस एनर्जी का प्रयोग कर सकें। तो आपको ऐसे अपना ओरा क्लीन करना है कि ऐसे ऐसे करके आपको सारा अपना ओरा क्लीन करना है। देन उसके बाद आपको जो आपके हैंड है उसको यहाँ से लेना है, और ऐसे आपको करते हुए बिल्कुल आपके नीचे पैरों तक आपको ऐसे जाना है, और आपको फील करना कि आपके सारे चक्रा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी ब्लॉकेज है, वो सारी आपके हाथों के अंदर आ रही है। आप ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे जाएंगे नीचे तक, अपने पैरों तक आप ऐसे जाएंगे, और फिर उसके बाद ऐसे आप मुट्ठी बंद करके सारी नेगेटिव एनर्जी को लेना है और आपको ऐसे अर्थ में उसको ऐसे थ्रो कर देना है। ऐसे आप 3 बार करेंगे। ऐसे ही आप अपनी साइड से लेंगे, लेफ्ट साइड से आप सारी एनर्जी को लेंगे, जो भी हैवीनेस आपके ओरा के अंदर है, जो भी ब्लॉकेज है, उसको फील करते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे, उसको फील करते हुए ऐसे मुट्ठी बंद करके आप उसको फिर से अर्थ में थ्रो करेंगे। 3 बार आपको लेफ्ट साइड से लेना है और 3 बार आपको राइट साइड से लेना है। ऐसे करते हुए आप जाएंगे, आपको फील करना जितनी भी हैवीनेस है वो सारी आपके हाथ में आ रही है, और ब्लैक एनर्जी के रूप में आपको बॉडी में अगर कहीं भी पेन है तो आप उसको ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे खुरच खुरच के फील करेंगे, जैसे आप किसी बर्तन को हम खुरचते हैं उसको ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे फील करेंगे, कोई भी ब्लैक तरह का कोई धुआं, नेगेटिव एनर्जी आपके हाथ के अंदर आ रही है, और उसको फिर आप ऐसे थ्रो कर देंगे। ऐसे आप बैक साइड में करेंगे। बैक साइड में हमारे हाथ नहीं जाते, इसलिए हमें इमेजिनेशन करनी है कि जो आपकी बैक साइड है वो आपके फ्रंट पे है, आपके सामने है, और आपको फील करना है कि इस तरह से आप उसको एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस है, वो सारे टॉक्सिन सारे क्लियर हो रहे हैं। इस तरह से जब आप उसको थ्रो कर देंगे तो आपको फील करना है, विजुलाइज करना है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपने अर्थ के अंदर डाली है वो सारी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिससे फिर से हम उसका यूटिलाइज कर सकें। इस तरह से आपका जो ओरा है वो क्लियर हो जाएगा और आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे। जो भी आपके ओरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी आपने कैरी करी थी सारे दिन में, वो सारी नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो जाएगी। अगर आप पूरे ऐसे ओरा को क्लीन ना करना चाहो, सिर्फ आप ऐसे करके आपने क्रॉस करके सिर्फ ये भी अगर आप करोगे, इससे भी जो आपके ओरा है वो क्लियर हो जाएगा। आपके ओरा के जो अंदर जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो
केवल इसमें 5 मिनट लगते हैं। जब डेली बेसिस पे आप इसको करना शुरू करोगे, यू देखना कि आपकी बॉडी कितनी लाइट फील होना शुरू हो जाएगी। आप ऑफिस से आते हैं, आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी बहुत हैवी है, तो आप इस टेक्निक को करके देखना। 5 मिनट के अंदर जब आप इसको करते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल आपको लाइट महसूस करोगे। जितनी भी हैवीनेस आप लेकर आए थे वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे जब आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हो। तो इस टेक्निक का प्रयोग करिए, अपनी बॉडी की, अपने ओरा की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ब्लॉकेज, नेगेटिव इमोशंस, टॉक्सिन्स सारे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और आप एक पॉजिटिव ओरा से भर जाओगे और वही चीज़ अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे जिस तरह का आपका ओरा होगा। तो आप ये करके देखिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।